गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th. दिस इज़ योर मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास फॉर डेसिमल. आई एम योर मैथ्स टीचर शिवानी जायसवाल. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल. ओके, टू ऐड आर सब्सट्रैक्ट एनी डेसिमल नंबर, फर्स्टली वी कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर इनटू ए गिवन अनलाइक डेसिमल नंबर इनटू लाइक डेसिमल नंबर. ओके, आपको अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट किसी डेसिमल नंबर को करना है तो सबसे पहले आप लाइक अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ एक बार हम फिर से बता देते हैं कि अगर हम किसी लाइक डेसिमल को अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अनलाइक डेसिमल में मैक्सिमम प्लेस तक वैल्यू कहाँ तक गई है. तो जो सबसे मैक्सिमम प्लेस की वैल्यू होती है, जैसे 3 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक या 4 प्लेस तक गई है, तो मैक्सिमम प्लेस क्या हुआ? 4 प्लेस. तो जो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 3.4, 2.025, 9.36, हियर इन दिस डेसिमल, डेसिमल 1 प्लेस, 3 प्लेस, 2 प्लेस. ओके, पहले में 1 प्लेस तक, सेकेंड वाले में 3 प्लेस तक गई है और लास्ट वाले में 2 प्लेस तक गई है. तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. लाइक बनाने के लिए हम क्या नाम है, प्लेस को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो मैक्सिमम प्लेस होता है उस प्लेस तक वैल्यू में 0 इंक्लूड करके हम उसको लाइक बनाते हैं. याद रखें कि जब भी हम डेसिमल के डेसिमल प्लेस में राइट साइड 0 इंक्लूड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, और होल पार्ट में भी अगर हम लेफ्ट साइड 0 इंक्लूड करते हैं तो भी उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. ओके, तो राइट करते हैं 3.4, हमें 3 प्लेस तक चाहिए तो 2 प्लेस के लिए 0 हम लिख लिए. अब हमारे पास है सेकेंड वैल्यू 2.025, इसमें तो 3 प्लेस तक है, 9.36, और हमें फिर इसको कन्वर्ट कर दिया 0. ऐड कर लीजिए, सिंपल एडिशन. जहाँ पॉइंट लगेगा, जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगाएंगे, बाकी सिंपल एडिशन होगा. 0505628437. अब यहाँ पॉइंट लगा है तो पॉइंट आपका मेंशन हो जाएगा. 3255914, ये आपका क्या है, आंसर है. ओके, तो नंबर को ऐड करने के लिए पहले हमने अनलाइक डेसिमल को लाइक बनाया. कभी कभी डेसिमल लाइक होते हैं तो आप डायरेक्ट उन्हें ऐड कर सकते हैं. सीक्वेंस में लगाइए, क्योंकि होल नंबर्स डिफरेंट भी होते हैं. जैसे होल नंबर के भी प्लेस होते हैं तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं होती है. जब होल नंबर के प्लेस चेंज हो तो आप मैक्सिमम ये कोशिश किया कीजिए कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में आप जब लिख लेंगी, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगी, तो आप उसको ऐड करने में ईजी हो जाएगा. फॉर अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 52.6, 176.25 and 8.372. अब हमें इस नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले हम लाइफ में कन्वर्ट करेंगे. तो 52 पॉइंट सबसे हाईएस्ट कहाँ गया, 3 प्लेस तक, 600, 176.250 एंड 8.372 लाइक हो गया. क्योंकि एडिशन करना, अब आप देख रहे हैं कि चेंजेस है होल नंबर में भी, बहुत सारे डिफरेंसेस. अगर आप इसे कहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर करेक्ट आंसर चाहते हैं तो पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए. तो 176.250, देन 52, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है. नंबर्स को अब असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना है तो 176.250, 52. याद रखिएगा, नंबर ऐसे मत लिखेगा, हमेशा नंबर यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट होता है, यानी हमेशा नंबर को आप
राइट साइड से लिखना ही शुरू किया कि जब बिगनिंग उनकी राइट साइड से होती है 0.25 तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, फिर 273.8 आप ऐड कर दीजिए, सेवंथ में हो गया, एडिशन आएगा, हमें यहाँ 00 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप एडिशन कर चुके हैं। 2, 12, 1 carry, 9, 10, 2, 12, 1 carry ले लिया, 10, 7, 17, 1 carry, 12, 13, ओके इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सब्सट्रैक्शन, जब एडिशन देख लिया तो सब्सट्रैक्शन भी इसी में आपको समझा देते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए भी, सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी आपको नंबर को पहले लाइक और ग्रेटर और स्मॉलर नंबर देखें, क्योंकि वैसे भी आप इंटीजर पढ़ चुके हैं तो वहाँ प्लस और माइनस से अब तो वैल्यू को आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर कभी कभी जब सब्सट्रैक्शन फ्रॉम वाला प्रोसेस दिया रहता है, जैसे कि आपको दिया है कि 35.96 फ्रॉम सब्सट्रैक्ट करना है 123.258। अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, अब आपको पता है कि फ्रॉम के फर्स्ट लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट लिखते पहले लिखते हो, पहले वाली को लास्ट में, लाइक बनाने के लिए हो जाएगा 35.960 फ्रॉम 123.258। अब 123.258 सब्सट्रैक्ट करना है, मैंने बताया है कि लास्ट से आप डिजिट लिखना स्टार्ट करते हैं, 5, 3 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 808, 5 से इधर से लेगा 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर 1 हो गया। अब ये ऐसा नहीं कि डेसिमल के बाद वो नंबर क्या करता है, द होल नंबर से कैरी नहीं ले सकता, ले सकता है ओके, और कोई चेंजेस नहीं होता, सिंपल कैरी होता है। आप इधर से इसने कैरी लिया, यह 11, 11 से 9 गया 2, यहाँ 12, 12 में से अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा ओके, जैसे ही डेसिमल का प्लेस खत्म होता है वैसे ही वहाँ पर पॉइंट इंक्लूड हो जाता है डेसिमल। अब इसमें आपने कैरी लिया, यहाँ पर होगा 12, यहाँ 7, यहाँ 11, 11 में से 3 गया 8 ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ओके, या मुझे लगता है कि अब आप ये ऑलरेडी आप पहले भी 6 मतलब लॉन्ग टाइम से आप इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आते हैं एक्सरसाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ये प्रोसेस आपने समझ लिया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और डेसिमल कैसे करना है, बिना लाइक डेसिमल बनाए आप उसको नहीं कर सकते, और कोशिश कीजिएगा कि लाइक डेसिमल बनाने के बाद जो सबसे ग्रेटर वैल्यू हो उसको सबसे पहले लिख के ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख के आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। अब है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। इन एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन दिया, ऐड द फॉलोइंग, नंबर दिए हैं कॉमास लगा के, तो आप नंबर्स को लाइक में चेंज करके ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद सब्सट्रैक्ट दिया है फ्रॉम वाला, ऑलरेडी मैं से बता चुकी हूँ कि फ्रॉम की लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट में लिखते हैं, मतलब बाद में लिखते हैं तब सब्सट्रैक्ट करते हैं। सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने इंटीजर्स पढ़ लिया है तो आपको जब साइन के बीच एडिशन हो वहाँ ऐड कीजिए, अब उनके बीच सब्सट्रैक्शन हो तो सब्सट्रैक्ट कीजिए। हम ये पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे बट हम यहाँ पर आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका थर्ड का ए 4.12। अब पहले सबको देख लीजिए, लाइक है नहीं है, 0.7 प्लस 5.192 4.120 ओके। अब एडिशन हो रहा है फर्स्ट तो नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर पॉजिटिव साइन आएगी और उसके बाद इसको सॉल्व करने पर ये अभी लाइक नहीं बना है, 0, 0 लाइक बन गया। ऐड करके देख लेते हैं, 298.501 ओके।
अब इसके बाद क्या है माइनस, अब आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्शन आता ही है तो सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, 2 9 में से 2 गया 7, 7 पॉइंट हो गया 1 0 1, आंसर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव वाला ही है तो आंसर क्या है पॉजिटिव है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। इस तरीके के क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, तो एक्सरसाइज में जो वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो क्लास टाइम में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके लिए उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी। ओके, थैंक यू।